हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है नीलेश। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मन जा रहे हैं हमें। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ये एक स्पेशल वीडियो है, ये मेरे डेली व्लॉग के पहले आ रहा है। मेरा डेली व्लॉग स्टार्ट होगा अभी 3 या 3.5 मिनट बाद। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन करने गया। मैंने लाइन में लग के दर्शन किया। अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग या अंदर फोटो लेना अलाउ नहीं था, इसकी वजह से अंदर की कोई वीडियो या फोटो नहीं है। मैंने बाहर तक की रिकॉर्डिंग की है जब मैं बाहर गया था बाबा के दरबार में, और मैंने वहाँ पे कुछ बोला नहीं। रीज़न ये है, मैं उस टाइम पे बस लीन था, बाबा के दरबार में जा रहा था। उसकी अलग खुशी थी, एक अलग फीलिंग थी, तो मैं उसमें ही खुश था, उसमें ही लीन था। इसीलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा था, कुछ सुन नहीं रहा था, बस मैंने हल्की हल्की से क्लिप्स रिकॉर्ड की हैं। वैसे मैंने एक भजन रिकॉर्ड किया था, वहाँ पे एक भैया जी मिल गए थे, बहुत अच्छा गाते थे, तो मैंने उनका एक भजन रिकॉर्ड किया है और मैं आगे वो भजन प्ले करने जा रहा हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि वो भजन आपको पसंद आएगा। और भैया जी का नाम मैं भूल गया हूँ, उनको क्रेडिट दे दूंगा मैं अगले किसी वीडियो में, उनसे बात करके उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के आप लोगों को बता दूंगा। तो फिलहाल ये वीडियो मेरे डेली व्लॉग से थोड़ा अलग है, और मेरा डेली व्लॉग स्टार्ट होगा अभी 4 या 5 मिनट के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरणा। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरणा। शंकर संकट हरणा, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, अंत बेअंत तेरी माया। ओ भोले बाबा, अंत बेअंत तेरी माया। हो शंकर संकट हरणा, शंकर संकट हरणा। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरणा। दीनन के प्रभु शंकर प्यारे, दीनन के प्रभु शंकर प्यारे, भक्तों के मन में विराजे। ओ भोले बाबा, भक्तों के मन में विराजे। हो शंकर संकट हरणा, शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरणा। ओ भोले बाबा, शंकर संकट हरणा, ओ भोले बाबा, शंकर संकट हरणा, ओ भोले बाबा, शंकर संकट हरणा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है नीलेश। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बन जा रहे हम में। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हमारे ऑल इंडिया साइकिलिंग का 144वां दिन है, और फिलहाल हम हैं केदारनाथ में। और अभी हम केदारनाथ से नीचे की तरफ बढ़ेंगे, गौरीकुंड की तरफ, सोनप्रयाग की तरफ। हमारी यात्रा वैसे कल ख़त्म होने वाली थी केदारनाथ की, कल हम निकलने वाले थे, लेकिन फिर लास्ट में जो है अचानक मौसम चेंज हो गया, बारिश होने लगी, तो हमारा प्लान कैंसिल हो गया। और लोगों ने बताया कि रास्ते में बहुत फिसलन होगी, ऊपर से धन्नो है साथ में, तो दिक्कत और ज़्यादा बढ़ जाती।
इसलिए हमने जो है कल जाने का प्लान कैंसिल कर दिया और आज हम निकल रहे हैं। हमारा टेंट भी जो है पूरा तरीके से जो है अब बस फोल्ड होने के लिए तैयार है। अब थोड़ी देर में टेंट को फोल्ड करेंगे और यहाँ से निकलेंगे। लेकिन जो सामने नज़ारा दिख रहा है, मैंने सोचा एक बार आप लोगों को ये भी दिखाई देता हूँ। बहुत प्यारा नज़ारा है। आराम से विशाल भाई, आधे घंटे या 45 मिनट के अंदर हमने 4 किलोमीटर कंप्लीट किया है। मतलब 10 मिनट में 1 किलोमीटर। हाँ भाई, चढ़ते टाइम पे 1 घंटे में 1 किलोमीटर कवर नहीं होता था और आते टाइम पे 10 मिनट में 1 किलोमीटर कवर हो रहा है। और बाबा का दरबार आगे है, ऊपर दिखाता हूँ मैं, वो दिख रहा है कहीं पर वहाँ पे। और हम जो है फिलहाल नीचे हैं। हमारी धन्नु है, विशाल भाई हैं, मैं हूँ और हम लोग आगे की तरफ जा रहे हैं। बाबा केदारनाथ का बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, 4 किलोमीटर है यहाँ से बाबा केदारनाथ का डिस्टेंस, और हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। और आज बहुत जल्दी हमने 4 किलोमीटर कंप्लीट कर लिए हैं, करीब करीब 45 मिनट में। इस हिसाब से लग रहा है कि हम बहुत, मतलब 4 या 5 घंटे में जो है नीचे पहुँच जाएंगे। अब जो भी होगा वो आप पहुँच के देखा जाएगा, फिलहाल तो यहाँ से निकलते हैं। और मैंने आप लोगों को बताया था ना जिन टेंट्स के बारे में, वो टेंट्स ऐसे हैं, इनमें आपको जो है सारी सुविधाएं मिलती हैं और बगल में यहाँ टॉयलेट मिलता है, जो शेयरिंग टॉयलेट होता है, आपको ये यूज़ करना पड़ेगा। आपको ऐसे प्राइवेट टॉयलेट नहीं मिलेंगे, बट हाँ बहुत अफोर्डेबल होता है, बहुत सस्ता होता है और सुविधाएं अच्छी होती हैं। इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन वगैरह रहता है तो आपको दिक्कत नहीं होगी, अच्छी जगह रहने के लिए और पैसे बहुत कम लगते हैं। हेलो, मुझे भरोसा नहीं हो रहा है इतनी वक्त कि मैं इस वीडियो से जो है ऊपर लेके आया था धन्नु को। एक बार दिखाते हैं एरिया देखिए। ये वो जगह है जहाँ पे एक बहुत बड़ा कस्बा हुआ करता था। जब लोग आते थे तो इस कस्बे में रुक के लोग आराम किया करते थे और यहाँ पे छोटे मोटे होटल, छोटे मोटी झोपड़ियाँ हैं जिनमें होटल जैसे जो है कमरे मिला करते थे, ऐसे कमरे हुआ करते थे। और जिस दिन ये त्रासदी हुई थी उस दिन भी लोग यहाँ पे आराम कर रहे थे, सैकड़ों लोग जो है यहाँ पे रुकते थे, मतलब काफ़ी भीड़ हुआ करती थी। लेकिन अचानक से जो है यहाँ पे मंदाकिनी नदी ने ऐसा कहर दिखाया अपना। उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि लोग सो रहे थे और उनकी नींद कभी खुली ही नहीं, हमेशा के लिए जो है वो मौत की नींद में सो गए। बहुत मतलब दर्दनाक हादसा हुआ था यहाँ पे। जो लोग पहले आया करते थे, जब यहाँ से गुजरते हैं तो जब उनकी नज़र यहाँ पड़ती है इस लोकेशन पे, तो शायद आज भी उनकी आंखों में आंसू आ जाता है। ऐसे एक लोग मिले हमसे, उन्होंने बताया इस बारे में, तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों को बताता हूँ। और ये पुराना पुल है यहाँ पे, इसको, इस रोड को जो है कनेक्ट करने के लिए बनाया गया था, बट ये भी जो है त्रासदी में इसको भी बड़ा क्षति हुआ, ये भी जो है नुकसान, ये भी पुल टूट गया। और फिलहाल हम जो है जा रहे हैं इस पुल से। इस पुल की कैपेसिटी है 10 लोगों की और मैं देख रहा हूँ कब से 20 लोग 25 लोग इस पार से उस पार जा रहे हैं, तो हमें भी निकलना चाहिए, बहुत देर नहीं करना है। और ये मंदाकिनी नदी का प्रवाह है, बहुत बहुत तेज है, कुछ ज़्यादा ही तेज लग रहा है। और फिलहाल हम जो है पहुँच गए हैं मेन गेट पर जहाँ से हमने अपनी जर्नी का स्टार्ट किया था। और ये वो गेट है जहाँ से आप महादेव जी की, जहाँ से आप बाबा केदारनाथ जी की यात्रा को स्टार्ट करते हैं प्रॉपरली, ऑफिशियली। तो हमें बहुत अच्छा लगा, ये यात्रा हमारी बहुत यादगार रहेगी हमेशा। और विशाल भाई, तो भाई अभी जो है यहाँ से चले जाएंगे गाड़ी से, और इनके साथ जो टाइम हमने स्पेंड किया बहुत अच्छा रहा, बहुत प्यारा मोमेंट रहा, बहुत प्यारे टाइम्स रहे और बहुत प्यारी प्यारी यादें हैं जो हमने जो है बनाई हैं साथ में। तो भाई फिर अगला ट्रिप जो है कहीं ना कहीं होगा साथ में, और हमारा एक प्लान तो अभी से पक्का हो गया कि हम दोबारा केदारनाथ की यात्रा करेंगे, बस उस बार धन्नु ना होगी अपने साथ। हाँ। और भाई बहुत मस्त है, इनके साथ घूमने तो घूमो, बहुत मजा आएगा। और भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो भाई, बाकी कर लेना यार, बोलने की जरूरत क्या है मेरे को, आप तो करोगे। तो फिलहाल जो है मैंने सोचा भाई जा रहे हैं तो जाने से पहले एक बार मिला देता हूँ आप लोगों से। विशाल भाई, इनकी वजह से मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही, बहुत
बहुत हेल्प किया इन्होंने, और इनकी वजह से जो है मैं टाइम से ही जो है कह सकते हैं केदारनाथ बाबा के दर्शन कर पाया, वहाँ पे पहुँच पाया था हम लोग के साथ, नहीं तो शायद मुझे 3 या 4 दिन लग जाते पहुँचने में। और फिलहाल ये हमारा गेट है और यहाँ हमारी जर्नी जो है स्टार्ट हुई थी, और बाबा केदारनाथ की जर्नी को हम यहीं ख़त्म करते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, और आज के लिए बस इतना ही है। बाय, लव यू ऑल, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।